बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी कागजात पर नौकरी दिलाने वाले गिरोह के 3 जालसाजों को एसटीएफ की टीम ने गोरखपुर के बेतिहाता स्थित हनुमान मंदिर के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार जालसाजों में बस्ती जनपद के मुंडेरवा थाना निवासी धर्मेंद्र कुमार पुत्र रामदीन, देवरिया जनपद के भाटपार रानी थाना निवासी राकेश कुमार सिंह पुत्र जगदीश सिंह और गोरखपुर जनपद के खजनी थाना निवासी गोविंद लाल गुप्ता पुत्र शिवपूजन गुप्ता शामिल हैं। इनके पास से एसटीएफ की टीम ने नौकरी में प्रयोग करने वाले 9 टीईटी प्रमाण पत्र, 10 डीएल, ईडी अंक तालिका, 1 पैन कार्ड, 5 मोबाइल सेट, 1 स्कूटी, 7500 रुपये नकद, 3 आधार कार्ड, 1 वीज़ा कार्ड, 32 बोर का 1 पिस्टल, 4 कारतूस और 1 मैगजीन बरामद हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी रूप से हो रही सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती की काफ़ी दिनों से मिल रही सूचना के आधार पर एसटीएफ की टीम ने निरीक्षक विजेंद्र शर्मा और सत्य प्रकाश सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्त सिद्धार्थ नगर के बेसिक शिक्षा कार्यालय में लिपिक और अधिकारियों की मिली भगत से लोगों को फर्जी कागजात तैयार करके उन्हें नौकरी दिया करते थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ की टीम ने कुटरचित कागजातों के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।